हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं, ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का, ये क्या है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो आप ब्राउन कलर का देख रहे हैं, ये टीयर सेंसर है। ये टीयर सेंसर है जिसमें से ये सेंसर ये है, और ये स्टील का कुछ पाइप दिया हुआ है, स्टील का कुछ भाग है सेंसर को पकड़ के रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं, ये जो लगा है, ये कन्वेयर बेल्ट का टीयर प्रोटेक्शन है। इस डिवाइस का नाम है लॉन्गिट्यूडनल टीयर प्रोटेक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ है। एक कन्वेयर बेल्ट में ये चार लगा हुआ होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से लगा है। पहला कुछ इस तरह से है, दूसरा कुछ इस तरह से है, और तीसरा कुछ इस तरह से है, और चौथा कुछ इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो लॉन्गिट्यूडनल टीयर प्रोटेक्शन है, ये क्यों लगाया जाता है। जब लंबी कन्वेयर बेल्ट किसी कारणवश कट या फट जाता है, तो हमको पता नहीं चलेगा। तो हमको पता चलने के लिए ये टीयर प्रोटेक्शन लगाया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये टीयर प्रोटेक्शन लगाने का जो तरीका है, वो है बेल्ट से 5 mm गेप। आप देख रहे हैं, मैं आपको सामने करके दिखा देता हूँ। बेल्ट से 5 mm गैप में यह लगाया गया है। तो आप समझ गए होंगे, ये जो टीयर प्रोटेक्शन लगाया गया है, ये किस लिए लगाया गया है। लंबी कन्वेयर बेल्ट किसी कारणवश जब कट या फट जाता है, तो हमको ये टीयर प्रोटेक्शन डिवाइस सूचना देता है। और इसमें जो सप्लाई दिया जाता है, वो 110 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है। इसका एक लोकल जेबी है, मैं आपको लोकल जेबी भी दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं, इसका लोकल जेबी कुछ इस तरह से है, जिसमें ये लिखा हुआ है लोकल जेबी में, लॉन्गिट्यूडनल टीयर प्रोटेक्शन डिवाइस। और इसमें जो सप्लाई होता है, वो 110 वोल्ट का होता है, AC 110 वोल्ट। इसमें AC 110 वोल्ट दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है AC 110 वोल्ट। इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, जो AC 110 वोल्ट को 16 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। आप देख रहे हैं, तो ये जो टीयर प्रोटेक्शन है, वो ये वायर में कनेक्ट होता है। अब देख रहे हैं, इस वायर में कनेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ यू।